नमस्कार, केकेबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नितिन चौधरी, मेरे साथ कुछ युवा हैं यहां मुजफ्फरनगर जीआईसी मैदान में। जी, क्या नाम है आपका? सर तरुण कुमार। कहां से आए तरुण? सर मेरठ से। क्यों आए हैं? सर हम ये इसलिए आए हैं सर क्योंकि हमारे ताऊ चाचा जी आए हैं, उनके साथ आए हैं, टिकैत जी के साथ है। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके बालकों के साथ अन्याय हो रहा है। सर क्या अन्याय हो रहा है? अन्याय ये हो रहा है कि सर लगभग 2 साल हो चुके हैं, पूरे 13 पश्चिमी प्रदेश में 13 जिले पड़ते हैं जिनकी सेना भर्ती होती है, और जो यहाँ पे बीजेपी शासन है फिलहाल वर्तमान में सर, तो ये लोग भर्ती निकालते नहीं है। मोदी जी बोलते हैं कि रोजगार मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सर। जी, सेना भर्ती निकालते नहीं है, बार बार रद्द कर देते हैं निकालने से पहले अपने। बीच में आपने देखा कोरोना आया तरुण जी? हाँ सर, बोलते हैं कि कोरोना आता है सर, जब कोरोना दुनिया में आया। हाँ, आपने देखा होगा। नहीं सर, तो सर ये चुनाव रैली में इनके क्यों नहीं आता कोरोना? चुनाव के टाइम पे कोरोना खत्म हो जाता है, जब इनका काम होता है फिर बंद हो जाता है। तो अपने लोगों को चुनिए ना फिर। हाँ सर, अपने लोगों को चुनेंगे अब इस बार। किसको चुनेंगे सर? 2 बार से गलती थी हमारी की मोदी को वोट दे रहे थे, इस बार फिर किसको चुनेंगे? इस बार टिकैत साहब हैं। टिकैत साहब को लाएंगे? जी बिल्कुल। अगर टिकैत साहब मना कर देते हैं? नहीं बिल्कुल मना नहीं करने के सर। बनाएंगे उन्हें? जी बिल्कुल बनाएंगे। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं टिकैत साहब? ट्विटर है जे में पड़ा सब, बिल्कुल ट्रेंड नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे हैं। बिल्कुल सर, पूरे भारत में आग लगी। हम टिकैत साहब के साथ हैं। अगर चुनाव लड़ते हैं तो दूसरे केजरीवाल बन सकते हैं? बिल्कुल सर, साथ में हैं सब। सही कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। पिछले 3 साल से कोई भी आर्मी की भर्ती नहीं हो रही। हम युवा से इतने काफ़ी टाइम होगा मैं तैयारी करते हुए, हमारी कोई भी भर्ती नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार जी। कहाँ से आए? बड़ौद से जी। अच्छा, पिछले काफ़ी 3 साल से हमने देख रहे हैं कि हमारी कोई भर्ती नहीं हो रही, जबकि सरकार अपने सभी काम कर रही है। सरकार के सारे काम हो रहे हैं लेकिन आज के टाइम में युवाओं का कोई भी काम नहीं हो रहा। बार बार कोरोना का बहाना लेकर हमारी भर्ती पोस्टपोन कर दी जा रही। हमारे युवाओं को जो है ना, जो भर्ती का टाइम होता है 5:45 का, हमें वो टाइम नहीं दिया जाता भर्ती में दौड़ने के लिए। हमें कम से कम 5 मिनट का टाइम दिया जाता है और भर्ती का जो निर्धारित टाइम होता है वो 5:45 का होता है, 5 मिनट 45 सेकंड का। लेकिन हमारी भर्ती बार बार पोस्टपोन कर दी जा रही, हमारी उम्र निकलती जा रही। इस सरकार से हम ये जवाब चाहते हैं, जिन लड़कों की उम्र निकलती जा रही उनके लिए क्या नया संदेश देना चाह रही सरकार, उन्हें क्या बेरोजगार करना चाह रही? क्या उम्र में रिबेट मिलनी चाहिए? उम्र में राहत मिलनी चाहिए कि 2-3 साल बर्बाद हुए? सर 2 साल बर्बाद हो चुकी है, हमारे में उम्र निकलने में जा रही। मेरी 30 साल उम्र हो चुकी है, जो आर्मी के लिए 17.5 साल से 23 साल लास्ट उम्र होती है, अब मेरी उम्र बिल्कुल निकल चुकी है। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता मुझे क्या करना होगा। मुझे मेहनत मजदूरी करनी होगी या मुझे कुछ चोरी डकैती करनी होगी, मुझे अपना कैसे जीवन व्यतीत करना होगा? इस बार अगर हमारे टिकैत साहब ये कह देना कि हम खड़े होंगे तो हम पूरे पश्चिम प्रदेश में दिल और जान से पूरे टिकैत साहब के साथ हैं। टिकैत साहब के साथ हैं, सही कह रहे हैं जी। सरकार पहले भी आती थी। चुनाव लड़ते हैं तो क्या मुस्लिम समाज साथ जाएगा? सब साथ जाएगा जी, सब समाज वोट करेगा। हाँ, चौधरी टिकैत को वोट करेंगे, सब सब करेंगे, सपा को छोड़ देंगे, सपा को छोड़ देंगे, बसपा को छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, राकेश जी पीछे जाएंगे। हाँ, बाबा जी गढ़ पीछे जाओ। दिल से कह रहे हैं? दिल से कह रहे जी, ईमानदारी से। हम सब किसान हैं सर। यहाँ से खेड़ी फिरोजाबाद है इधर, तहसील जानसठ में खेड़ी फिरोजाबाद। यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है सर, यहाँ कार से उठ चुकी है। किसानों की आस्था इस सरकार से उठ चुकी है। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। चंदा में अगर तपन हो तो गगन का क्या दोष, फूल मगर कांटे हो तो चमन का क्या दोष। तिरंगे ने रोक कर मुझसे पूछा, अगर कुर्सी अच्छी ना हो तो जनता का क्या दोष। बिन संघर्ष मिले सुखों का कहीं सौगात नहीं, संघर्षों से टकरा जाओ डरने की कोई बात नहीं। छीन सके तुमसे उजियारा अंधेरे की कोई बात नहीं, जिसका कोई सवेरा ना हो ऐसी कोई रात नहीं। रात के बाद सुबह होती है, सुबह में सूरज निकलता है, वो सूरज के राकेश टिकैत होंगे। बिल्कुल 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 राकेश टिकैत होंगे। हिंदू मुस्लिम साथ जाएगा, अगर बिल्कुल साथ जाएगा, सब साथ जाएगा, ये सब साथ टिकैत के साथ। मैं बताऊं जी, बीजेपी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, हम सिर्फ बाबा को वोट देंगे। हम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस है, सहारनपुर से हूँ। बिल्कुल बाबा टिकट के पीछे आज कहते हैं ये लिखवा लो।